हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्रुधिमा पाताल की गुफाओं में अकेली बैठी रो रही है। क्रुधिमा की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही है, लेकिन वे जमीन पर ना गिरकर हवा में तैर रही है। क्रुधिमा के रोने से पाताल की पूरी घाटी भयानक ध्वनि से गूंज रही है। क्रुधिमा ने आंखें खोली। पाताल को 103 प्रेतात्माओं की ज्वाला की माला समर्पित करने पर मुझे बेताल मुकुट को नष्ट करने की शक्ति मिलेगी। पाताल, मैं अपने आंसुओं से बनाए काले पानी की जाल में आत्माओं को फंसाऊंगी। मंत्र वाली काकी का अंत देखूंगी। ऐसा कहकर उन सारे आंसुओं को एक बड़ी पानी की बूंद में बदलकर उसे कांच के बोतल में रखकर पानी की उस बूंद को जंगल में किसी सुनसान जगह पर छोटी सी तालाब में मिलाती है। उस आंसू के बूंदों के गिरते ही तालाब का पानी काला हो गया। चमकते हुए भूतों आत्माओं को आकर्षित करते हुए तालाब काले पानी की दलदल के जैसा बदल गया। ये दलदल भूतों पिशाचों प्रेतात्माओं को आकर्षित करके उन्हें बंदी बनाकर उनकी आत्माओं को बंदी बनाकर उन्हें मेरा गुलाम बनाएगी। उनसे आत्माओं की ज्वाला की माला पाताल में गले में डालकर मैं जो चाहती हूँ उसे हासिल कर लूंगी। एक पिशाच हवा में उड़ते हुए जा रहा था। उसने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। जब उसने बिजली देखी तो वो अनजाने में बिजली को आकर्षित हो गया। जब वो उसके पास गया तो वो एक छोटा सा काले पानी का चमकता हुआ तालाब था, मानो उसे कोई खींच रहा हो। अनजाने में ही उसमें पैर रखती है। पैर रखते ही गले तक डूब गई और बंदी बन गई। बहुत कोशिश करने पर भी बाहर ना निकल पाने से तिलमिलाते हुए चिल्ला रही थी। ठीक 9 दिनों के बाद उस काले तालाब में फंसा पिशाच भस्म हो जाएगा। उसकी आत्मा हवा में उड़ते हुए पाताल की घाटी में स्थित पाताल मूर्ति के गले में मौजूद खोपड़ियों की माला में एक खोपड़ी में बदल गया। कुछ समय बाद मंत्र वाली काकी के मंत्र पढ़ते ही एक मायावी दर्पण के बगल में दो और मायावी दर्पण प्रत्यक्ष हुए। लोकी जन्मदग्गी नाटाभूत, जहां भी हो सभी मेरी बात सुनिए। ऐसा कहते ही मायावी दर्पण में जमदगिन लोकी आए, लेकिन नाटाभूत नहीं आया। नाटाभूत जहां भी हो आओ मेरे सामने। फिर भी नाटाभूत मायावी दर्पण में दिखाई नहीं दिया। ये नाटा फिर से किस मुसीबत में फंस गया है? चिंता मत करो माँ, वो जहाँ भी होगा मैं जाकर उसे ढूंढ लाऊंगा। हमारे पास इसके लिए ज्यादा समय नहीं है। अगले 3 दिनों में राहु ग्रह कुटमी है। आप तो जानते ही है ना, ग्रहण के समय हमारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। मौका पाकर हमें मारने के लिए भूत प्रेत पिशाच सारी शक्तियाँ हम पर आक्रमण करेगी। केवल बेताल पहाड़ी ही हमें उनसे बचा सकती है। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले हम सभी को बेताल पहाड़ी पर पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए सभी तैयार रहें। ठीक है काकी, मैं कल ही महुआ जाऊंगा, साथ में चलते हैं। मैं तो बेताल पहाड़ी पर ही रहता हूं, लेकिन मैं नाटाभूत की तलाश में जा रहा हूं। उसे अपने साथ लेकर आप लोगों के पहुंचने तक बेताल पहाड़ी पर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर सावधान रहना। लोकी गांव-गांव क्षणों में उड़ता हुआ हर कब्रिस्तान में नाटाभूत की तलाश में घूम रहा है। कहाँ हो रे नाटा भूत? अरे नाटा तुम कहाँ हो? नाटा कहाँ हो? कहाँ चले गए नाटा? कहीं अता पता नहीं है तुम्हारा। अरे नाटा भूत! बहुत ढूंढने पर भी
नाटा भूत का पता ना चलने पर वापस महुआ जाने लगा। माँ, उन सभी जगहों की खोज की जहाँ वो हमेशा घूमता था, लेकिन नाटा नहीं मिला। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, नाटा को क्या हुआ होगा? तुम डरो मत लोकी, नाटा भूत को कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर तभी वहाँ पहुँचे जमदगिन के साथ। हस्त तंत्र करके मायावी दर्पण में देखने पर रंगोली से खोपड़ी हवा में उठी। नाटा भूत जीवित है लेकिन कहाँ है, मेरी शक्ति को भी दिखाई नहीं दे रहा है। जीवित है नाटा, ठीक है, आज रात तक बेताल पहाड़ी पर पहुँचना है। चलिए। हाँ तो बिल्ली भूत कहाँ है, क्या उसे ग्रहण के बारे में नहीं बताया? भूल गया माँ। बिल्ली भूत, जहाँ भी हो तुरंत बेताल पहाड़ी पर पहुँचो, अगले 4 घंटों में ग्रहण शुरू हो जाएगा। जब जमदगिन ने जादुई शंख बजाया तो उन्हें की शक्ति आ गई और वो कुछ ही क्षणों में बेताल पहाड़ी पर पहुंच गया। मंत्र वाली काकी को लोकी उठाकर उठते हुए ले गया। जब तीनों बेताल गुफा में बैठे थे तब बिल्ली भूत वहां आई। उसके साथ एक और भूत आया। छिपकली का चेहरा और पूंछ के साथ अजीब थी। कौन है ये, बड़ी विचित्र है। काकी, इसका नाम अप्पू है, प्यार से छिपकली भूत बुलाता हूँ। अगर ये अप्पू ना होता तो मैं बस में हो गया होता, इस छिपकली ने मेरी जान बचाई। ओह, क्या हुआ बिल्ली भूत? कुछ दिन पहले मैं मांडवा नामक गांव के पास वाले जंगल से गुजर रहा था। मैंने कुछ चमकता हुआ देखा। मैंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा तो मैं उसकी झांसी में आ गया। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे अपने अंदर खींच लिया। मैं बंदी बन गया, मुझे बंदी बना लिया। काकी, मुझे बचा लो, मंत्र वाली काकी बचा लो। अरे नाटा भूत, जल्दी आओ। बहुत चिल्लाने पर आप में से कोई नहीं आया। इसका कारण वो काले पानी की झील कृदिमा के आंसुओं से बनी जाल है। 2 दिनों से बंदी पड़ी मेरे पास रुधिमा आई। देख रही हूँ तुम्हारा मेरे जाल में फंसना मैंने अपनी मायावी दर्पण में देखा है बिल्ली भूत। तुम उस बुढ़िया मंत्र वाली कुबड़ा काकी की विश्वास पात्र हो ना? अगर तुम भस्म हो जाओगी तो तुम्हारी काकी रोएगी। तुम्हारे जैसे कितने भी दुष्ट आए जाए मेरी काकी के सिर का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। ओह, ऐसा क्या, तुम्हें बहुत घमंड है ना सफेद बिल्ली? तुम मरकर पाताल के गले का हार बनोगी। 103 आत्माओं का हार पूरा होते ही मुझे बेताल मुकुट को नष्ट करने की शक्ति मिल जाएगी। तब सबसे पहले मेरे हाथों तुम्हारी मंत्र वाली काकी मरेगी बिल्ली भूत। काकी, लोकी, जन्मदकी, जल्दी आओ, इसका अंत देखो। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है बिल्ली भूत। तुम जिस काले पानी के दलदल में फंसी हो उसका पता लगाना इस जमीन पर किसी भी तंत्र से, मायावी दर्पण से नहीं हो सकता। इस दलदल में गिरने के 9 दिनों के पश्चात तुम्हारा भस्म होना निश्चित है। उसने ऐसा कहा और चली गई। अगले दिन मैं रो रहा था तो मुझे जंगल में सरसराहट सुनाई दी। तो मैंने अप्पू को देखा, उसकी मदद से काले पानी से बाहर निकल सका। बचाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी? क्या तुम मेरे सोमू की रक्षा करोगी? ठीक है, वादा करता हूँ, अब से तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा नाम क्या है? अप्पू। और तुम्हारा? बिल्ली भूत। पीछे मत मुड़ो, उस पानी को देखोगे तो वे तुम्हें आकर्षित करेंगे। इससे पहले भी तो देखा ना? तब मैं उसमें था इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। एक समय में केवल एक को ही पानी बंदी बना सकती है। यही हुआ था काकी। कहीं नाटा भूत भी क्रुधिमा द्वारा बिछाए गए उस काले पानी के जाल में फंस तो नहीं गया? मुझे भी यही संदेह है काकी। माँ, बेहतर होगा कि मैं अभी चला जाऊँ। बिल्ली भूत, मुझे दिखाओ कि वो जाल कहाँ है, चलो चले। ग्रहण शुरू होने के लिए केवल 1/2 घंटा बचा है, जल्दी जाकर आओ। बहुत तेजी से लोकी बिल्ली भूत जब काले पानी के दलदल के पास गए तो वहां दलदल में फंसकर नाटा भूत कमजोरी से छटपटा रहा था। एक पल की भी देरी किए बिना नाटा भूत को दलदल से बाहर निकालकर पीछे मुड़े बिना बेताल पहाड़ी के लिए निकल पड़े।
ग्रहण का समय निकट आ रहा है। पिशाच लोकी के पीछे आ रहे हैं। वहां मंत्र वाली काकी को चिंता हो रही थी। समय नहीं है अप्पू, तुम तुरंत किसी नजदीकी शमशान जाकर समाधि से तांबे के सिक्के ले आओ। चुटकियों में ले आऊंगा काकी। अप्पू क्षणभर में जाकर कब्र से तांबे के सिक्के लाकर बेताल पहाड़ी पर आ गया। पीछा कर रहे पिशाचों से लड़ते हुए लोकी और बिल्ली भूत बेताल पहाड़ी पर पहुंच गए। आते ही नाटा भूत ने तांबे के सिक्के खा लिए, तब जाकर थोड़ी ताकत मिली। बाप रे बाप, एक घंटा और वहां रहता तो भस्म हो जाता। समय पर आकर तुमने बचा लिया रे ओ बिल्ली भूत। क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ जो मुझे अरे वो कर रहे हो? बाल खींच कर छोटी बना दूंगी, सावधान। तुम्हारे बाल छोटे हैं इसीलिए जलती हो। अपनी बचकानी हरकतें बंद करो। तुम जिस काले पानी के जाल में फंसे हो वो कोई साधारण जाल नहीं है। वैसे जाल से बचकर तुम सीधे मेरे पास ना आकर कहाँ चले गए? वो मेरे मित्र अप्पू को दिए गए वादे के अनुसार सोमू को बचाने गया था। ये सोमू कौन? मैं बताऊंगा काकी। हमारा गांव मांडवा है। मेरे बचपन में एक दिन मेरी माँ ने सोमू को जन्म देकर प्रसव में ही उनकी मृत्यु हो गई। मेरा भाई बहुत छोटा बच्चा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। हमारी छोटी माँ का नाम कल्पना है। शुरुआत से हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब छोटी माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया तो वो बदल गई। मुझे बात बात पर पीटती थी। मैं हमेशा पिछवाड़े में अकेला खेलता था। कुएं के पास एक छिपकली का बच्चा रहता था। मैं रोज उसे खाना देता था, उसी के साथ खेलता था। जब मैं बुलाता तो ये छिपकली आ जाती थी। छिपकली के साथ खेलने पर छोटी माँ मुझे डांटती थी। कोई कुत्ता या बिल्ली पालता है, तुम छिपकली पाल रहे हो लंगूर कहीं के। एक दिन गांव से छोटी माँ का भाई आया। उसने बेकार की बातों से छोटी माँ के मन में जहर घोल दिया। दीदी, तुम वैसे भी जीजा जी की दूसरी पत्नी हो, और तो तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, इसलिए पहली पत्नी के दोनों बच्चे सारा जायदाद ले जाएंगे और तुम दोनों को भीख मांगना पड़ेगा। हाँ सच है, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? कुछ भी करके दोनों बच्चों को मार डालो। ध्यान से, उनकी मौत स्वाभाविक लगे, नहीं तो गांव वाले तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। उनके जाने के बाद एक रात मेरी छोटी माँ ने खाने में मेरी पाली हुई छिपकली डालकर मुझे खाने को दे दिया। इन सब बातों से अनजान मैं छिपकली गिरा खाना खाकर मर गया। गांव वालों ने सोचा कि मेरी मौत छिपकली गिरा खाना खाने से हुई थी। तुमने अच्छा काम किया है, उस सोमू को अभी मत मारो। गांव वालों को और तुम्हारे पति को तुम पर शक होगा। मैं किसी भी कीमत पर अपने भाई को बचाने के लिए एक आत्मा बन गया। मरने के बाद भी शायद छिपकली पर मेरे स्नेह के कारण मेरा रूह का रूप भी छिपकली जैसा है। उस दिन से मैं अपने भाई पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी सुन देख या छू नहीं सकता। तो फिर मैं कैसे सोमू की रक्षा अपनी छोटी माँ के चंगुल से करूँगा? यही सब सोचते हुए मैं जंगल में घूम रहा था, तो तभी मैंने बिल्ली भूत के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जाकर देखा तो बिल्ली भूत खतरे में है। ये देखकर जाकर मैंने बिल्ली भूत को बचाया। अपनी छोटी माँ को सबक सिखाने के लिए हम दोनों हमारे घर गए थे, लेकिन हम घर के अंदर कदम नहीं रख सके। किसी तांत्रिक ने उनके घर की दहलीज पर एक ताबीज बांध दिया था काकी, इसलिए मैं उसकी छोटी माँ को कुछ भी करने में असमर्थ वहीं पर मौके की इंतजार में था। उस दिन जब लोकी ने बुलाया तो आ गया। तुम्हें ही मेरे भाई सोमू की रक्षा करनी होगी काकी। इसी बीच ग्रह कुट में समाप्त हो गया। बेताल पहाड़ी के आसपास घूमने वाले भूत और पिशाच गायब हो गए। बिल्ली भूत, नाटा भूत, अप्पू के साथ मंत्र वाली काकी मांडवा जाकर सोमू के गले में जंजाल मणि बांधकर इस मणि के कारण तुम अपने भाई को देख सकोगे रे अप्पू, तुम उनसे बात भी कर सकते हो। काकी ने उनके घर से रक्षा को हटाकर बाहर फेंक दिया।
हे चम्मक चलो, तुमने अप्पू को जहर देकर मार डाला था ना, गांव में सबको ये बता दूं, या तुम सोमू का ख्याल अपने सगे बेटे की तरह रखोगी? नहीं नहीं, मुझे समझ मिल गया काकी, अपनी जान से ज्यादा सोमू की देखभाल करूंगी कसम से। उसका बड़ा भाई अप्पू अदृश्य रूप में इस घर के चारों ओर घूमते रहेगा, सोमू को कुछ हुआ तो मैं आऊंगी, अगर मैं आऊंगी तो मामला एक तरफा होगा, तेरी ऐसी की तैसी, मरोगी, सावधान रहना। अप्पू वहीं रुक गया। तीनों जंगल में चले गए। बिल्ली भूत, नाटा भूत काले पानी के दलदल को बिना देखे आंखें बंद कर लेते हैं। गाबरा जा मन जो, काकी ने मंत्र पढ़कर अपना बेताल मुकुट उसमें रखा। दूधिमा की आंसू की बूंद पानी से बाहर आ गई और हवा में तैरने लगी। जब काकी ने अपनी मंत्र की छड़ी दिखाई तो बेताल मुकुट ने पानी की बूंद को निगल लिया। वहां पताल की घाटी में क्रूधिमा ने देखते ही देखते पताल के गले की सभी खोपड़ियां फट-फट कर फटने लगी। जा, जा! इस तंत्र से भी बच निकली ना बुढ़िया मंत्र वाली काकी, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मारना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है रे चम्मक चलो,